गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल आपके सामने 10th क्लास का दूसरे चैप्टर का पांचवा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था पीएच के बारे में, उसके बाद में हमने पीएच के दैनिक जीवन में महत्व पढ़े थे, कुछ संसाधनों के पीएच के मान भी देखे थे। इसके बाद में मैंने बोला था आपको कि कुछ हम चलेंगे अगला टॉपिक लवण परिवार की ओर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास में नेचर के अंदर नेचुरल एसिड हैं। नेचुरल एसिड का मतलब कि प्राकृतिक अम्ल हैं जो हमारी प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन रसायन विज्ञान ने उनको अपनी भाषा में कुछ और नाम दे दिया है। तो देखो क्या है हमारे पास में, आप लोगों को मैंने बताया चाउमीन के अंदर सिरका डालते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। इसके बाद में आता है संतरा। संतरा हम खूब खाते हैं, संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली होती है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। दही, जिसे हम खट्टा दूध भी बोल सकते हैं, इसमें होता है लैक्टिक अम्ल, और दही, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। नेटल, जो कल आपको बताया था कि एक पौधा है जिसके बाल होते हैं वो हमको डंक मारते हैं, तो उसमें मैथेनोइक अम्ल निकलता है, और जिस पे डॉग की पत्तियों को रगड़ लिया जाता है तो हमारे क्या है, दर्द खत्म हो जाता है। और लास्ट में आता है चींटी के अंदर। चींटी के अंदर आपकी बुक में लिख रखा है मैथेनोइक अम्ल, और जो पिछली बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आप लोगों को देखना है कि कुछ हमारे पास प्राकृतिक अम्ल हैं, प्राकृतिक स्रोत जिनसे कौन कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं वो देखो। सिरका, सिरके के अंदर, सिरका हमारे पास एक प्राकृतिक साधन है जिससे अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद में आता है संतरा। संतरा हमारे प्रकृति में पौधे से प्राप्त होता है, उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। नेटल में मैथेनोइक अम्ल, और चींटी के अंदर पाया जाता है मैथेनोइक और फार्मिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप इन सब को कहीं पे लिख लीजिए, वैसे आपकी बुक में लिखे हुए हैं सारे के सारे, इनको याद कर लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, और ज़्यादातर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ये टमाटर वाले में से, और नींबू वाले में से, और इमली वाले में से, इनमें से पूछ सकता है। क्यों? यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है सिट्रिक, यहाँ पे टार्ट्रिक, सिट्रिक, ऐसे उल्टे सीधे नाम है। जैसे संतरा और नींबू का तो एक ही है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। संतरा भी जब नींबू छोटा होता है फिर बाद में बड़ा हो जाता है, संतरे जैसे बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो संतरे और नींबू में तो सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। तो याद रख लेना, संतरा नींबू में सिट्रिक और नींबू में टार्ट्रिक, सॉरी इमली में टार्ट्रिक। तो संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक। और इमली में कौन सा पाया जाएगा? टार्ट्रिक। ठीक है, तो एक बार इनको लिख लो आप कहीं पे, या फिर बुक में देख के लिख लेना, और इनको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने जो बुक में था उसको लिख दिया पूरे को, क्योंकि एक्स्ट्रा यदि चलेंगे तो हो सकता है सिलेबस में कुछ कटौती हो, तो इससे पहले हम एक बार ढंग से देख लेते हैं। आप इनको लिख लीजिए, कहीं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतने में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अब हम लोग प्राकृतिक अम्लों को पढ़ने के बाद में, प्राकृतिक स्रोतों से जो अम्ल थे उनको देखने के बाद, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ प्राकृतिक स्रोतों से कौन कौन से अम्ल प्राप्त हुए थे, उसमें हमने देख लिया और उसको पढ़ भी लिया। इसके बाद में हम लवण परिवार पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम देखेंगे कि लवणों में पीएच का मान किस प्रकार होता है, कि कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है। तो ये आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझाने के रूप में मैंने आपको अभिक्रियाओं के रूप में लिख के समझाया। तो देखो कि लवणों में पीएच किस प्रकार होता है। तो देखो भाई, हमारे पास में सबसे पहली बात देखो, क्षार होते हैं, क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दूसरा दुर्बल। अम्ल,
अम्ल भी दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रबल और दूसरा दुर्बल। दो प्रकार के होंगे, और प्रबल का मतलब होगा मजबूत और दुर्बल का मतलब होगा कमजोर। तो जो मजबूत होगा, प्रबल होगा, उसी तरीके का माध्यम बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में मान लो कि दो पहलवान हैं, दो पहलवान एकदम टक्कर के हैं, एकदम बराबर के हैं, तो दोनों के दोनों लड़ाई थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, वो समझौता कर लेंगे। इसी तरीके से देखो, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के दोनों प्रबल हैं, तो किस प्रकार का माध्यम बनाएंगे? उदासीन, मतलब वो न तो 0 से 7 तक रहेंगे, न 7 से 14 तक, वो बीच में रहेंगे, 7 पे उदासीन हो जाएंगे। कि भाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, मतलब दोनों पहलवान एक जैसे हैं, समानता है, तो वो क्या है कि एक दूसरे से क्या टक्कर नहीं लेंगे, वो कहेंगे समझौता कर लो। और समझौता कहाँ पे होगा? दोनों को बराबर आना चाहिए, तो 14 में से आधा हो गया तो कितना आया? 7। तो मतलब जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो उदासीन माध्यम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उदासीन। और उदासीन के लिए पीएच माध्यम क्या होता है? पीएच का मान कितना होता है? 7। इसी तरीके से देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, एक प्रबल हो गया, दूसरा दुर्बल हो गया, तो यहाँ पे प्रबल कौन है? अम्ल है। और दुर्बल कौन है? क्षार। तो जो चीज़ प्रबल होगी वैसा ही माध्यम बनेगा कि नहीं बनेगा? जो मजबूत होगा उसी का दबदबा रहेगा। तो यहाँ पे प्रबल कौन है? अम्ल। तो माध्यम भी कौन सा बनेगा? बनेगा अम्लीय। और अम्लीय माध्यम का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे अम्ल हो गया दुर्बल और क्षार हो गया प्रबल। तो मैंने कहा जो प्रबल होगा वैसा ही माध्यम बनेगा, तो प्रबल कौन है? क्षार। तो माध्यम भी कौन सा बन जाएगा? क्षारीय। तो क्षार का क्या होता है? 7 से ज़्यादा पीएच मान। तो यहाँ पे जब दो प्रबल होते हैं तो माध्यम होता है उदासीन, यदि अम्ल प्रबल है तो अम्लीय माध्यम बनेगा, यदि क्षार प्रबल है तो क्षारीय माध्यम। मतलब जिसकी मजबूती होगी उसी तरीके का माध्यम तैयार हो जाएगा। और अम्ल है तो 7 से कम, क्षार है तो 7 से ज़्यादा, और उदासीन है तो 7 नंबर पे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। पिछली जो बुक थी इसके अंदर हमको लिखा हुआ था कि प्रबल अम्ल कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है, फिर कैसे रिएक्शन करते हैं। आपके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल इनको हिंट समझना है इनका। ये पूछ सकते हैं कि जब दो प्रबल अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो कैसा माध्यम तैयार करते हैं, तो उदासीन करते हैं। जब उसके बाद में हमारे पूछ लेगा एक प्रबल अम्ल है और दूसरा दुर्बल क्षार है, तो कैसा बनेगा? तो जो प्रबल होगा वैसा ही बन जाएगा। यहाँ पे प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार है तो इसलिए क्षारीय माध्यम बन गया। ये सब आपको पता ही है कि पीएच स्केल चलता है 1 से लेकर 14 तक, 7 पे होता है उदासीन, और इधर की साइड चलेंगे तो अम्लीय एसिड, इधर की साइड चलेंगे तो क्षारीय, और 7 पे होगा न्यूट्रल। ये सब आपको मैंने बता दिया। अब इसको आप लिख लो कहीं पे, क्यों? क्योंकि ये बुक के अंदर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको कहीं नोट कर लो आप, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे अपन लोग। अब हम लोग देखेंगे कि लवण परिवार को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले लवणों में हमने पीएच का मान देख लिया कि प्रबल दुर्बल कैसे कार्य करते हैं। अब हम चलेंगे कि साधारण नमक में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से रसायन घुले हुए होते हैं, और साधारण नमक को तैयार कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास में साधारण नमक को तैयार करने के लिए खारे पानी की आवश्यकता होती है, और खारे पानी को क्यारियों में भरा जाता है, और फिर खारे पानी को जब क्यारियों में भरा जाता है तो फिर उसका धूप में वाष्पीकरण हो जाता है। पानी का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। और जो खार होती है उसकी, वो क्यारी में क्या हो जाती है? जम जाती है। और खार होती है क्यारी में जम जाती है, फिर उसको बड़े बड़े प्लांटों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, और फिर नमक तैयार किया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया। और इसी नमक को हम खाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये आपको पता है पहले से, ठीक है। अब ये नमक रसायन विज्ञान में कैसे तैयार हो, वो देखो। तो आप लोगों को पता है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण मतलब नमक और जल का निर्माण करते हैं, ये आपको पता ही है। तो हमारे पास में नमक कहाँ से प्राप्त हुआ? अम्ल और क्षार की आपस की क्रिया से।
ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। और ये क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें लवण का पीएच भी 7 होता है और जल का पीएच भी कितना होता है? 7 होता है। ये आपको मैंने बता दिया पहले, ठीक है। तो अब नमक का भी बहुत बड़ा परिवार है। नमक को भी क्या है कि जब फिल्टर करते हैं ना, साफ करते हैं, तो बहुत सारे रसायन इसके अंदर मिक्स होते हैं। जैसे मैं हूँ तो मेरी फैमिली में बहुत सारे हैं, इसी तरीके से ये नमक का परिवार है। नमक के परिवार में पृथक्करण करें, यदि नमक को फिल्टर करें, नमक को साफ करें, तो ये सारे रसायन निकलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं ये निकलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं ये निकलता है, Na2CO3 जिसे हम वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं ये निकलता है। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि नमक का परिवार बताइए, एक नंबर का पूछ ले, तो नमक का परिवार कौन सा है कि नमक तो हमारा ये हो ही गया लवण, और लवण के साथ में ये हमारे पास में और होते हैं जो पृथक करने से निकलते हैं, ठीक है। ये क्या है? पृथक करने से निकलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास में लवण हो गया, ये हमारे पास में कास्टिक सोडा हो गया जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कास्टिक सोडा, ये हमारे पास में विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये धावन सोडा। तो ये हमारे पास में क्या है? लवण परिवार है, ये नमक की फैमिली है पूरी की पूरी। तो आप लोगों से कोई पूछ ले लवण परिवार के बारे में बताइए, तो आपको बोलना है कि नमक अम्ल एवं क्षार की आपसी क्रिया से प्राप्त होता है, जिससे हमें लवण एवं जल प्राप्त होता है। लवण को प्राय हम रसोई गृहों में खाने के लिए क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं, खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, ठीक है। आगे इसमें बोलोगे कि नमक उदासीन होता है एवं इसका पीएच मान कितना होता है? 7। और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो आपको बोलना, खारे पानी को जब क्यारियों में जमा दिया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, ये हमें क्रिस्टल के रूप में कठोर या ठोस के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम मशीनों के द्वारा क्या कर लेते हैं? साफ या फिल्टर करके और शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। नमक के साथ में बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नमक परिवार या लवण परिवार, और लवण परिवार के ये सदस्य, ठीक है जी, लवण परिवार के ये सारे सदस्य हैं। अब हम जब ये लवण परिवार के सदस्य हैं, लवण को बनाना सीख लिया, तो अब हम चलेंगे कि भाई लवण परिवार के ये सदस्य कैसे तैयार होते हैं, तो वो देखेंगे। तो लवण परिवार के ये सदस्य जो तैयार होते हैं, उसमें पहला हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए, इसको उतारने से क्या है आपके दिमाग में रहेगा कि पढ़ाया क्या है, तो इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अगला पढ़ाएंगे। अब हम लोग चलेंगे लवण परिवार का जो पहला सदस्य है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण परिवार का पहला सदस्य है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम पढ़ेंगे। देखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है वो देखो। हमने क्या है कि एक पूरा टैंक ले लिया, टैंक कुछ भी ले सकते हो, उस टैंक में दो रोड लगा दी, धातु की दो रोड लगा दी, और धातु की दो रोड लगा के एक बैटरी कनेक्ट कर दी। एक साइड से नमक का घोल जा रहा है, बड़े बड़े प्लांट में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे हो देखो, एक साइड से नमक का घोल जा रहा है और दूसरी साइड से हमारे पास में क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इधर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा इधर की साइड से, नमक के घोल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। इसमें जैसे करंट जाएगी तो जो नमक है वो क्या है? जल में घुला हुआ है, तो इसमें विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होगी तो इसमें अपघटनीय अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो पहला याद रखना है कि नमक के घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मैंने नमक का घोल क्यों बोला? क्योंकि नमक में पानी डाल लिया,
ठीक है, नमक के घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा या गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और दूसरा इसके साथ में निकलती है क्लोरीन गैस, और बाद में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कैसे? वो देखो। देखो भाई, यहाँ से नमक का घोल गया, नमक का घोल गया और विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, बैटरी लगा रखी है, तो गर्म होगा ये पूरा घोल। जब घोल गर्म होगा तो आपस में क्या करेगा? क्रिया करेगा। अब क्रिया करेगा तो कैसे करेगा? वो देखो, नमक का विलयन एक्वा, जल द्रव, इसके बाद में हमारे पास में दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो देखो Na और Na के कितने हैं? 2, तो 2Na हो गया। इसके बाद में Cl के भी कितने रहेंगे? 2 से तो गुणा हो रहा है, तो Cl के कितने रह जाएंगे यहाँ पे? 2, तो Cl 2। तो मतलब इसका काम तो पूरा हो गया, फिनिश। ठीक है, अब चलते हैं H2O की ओर। देखो इधर H के कितने हैं यहाँ पे? 4, और O के कितने हैं? 2। तो देखो H के कितने हो जाएंगे? 2, और O के भी कितने हो जाएंगे? 2। तो O के 2 यहाँ आ गए, H के 2 यहाँ चले गए, अब बचे कितने? H 2, तो ये बाहर निकल गए। तो हमारे पास में इस तरीके से इस अभिक्रिया में क्या है कि जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपघटनीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटनीय अभिक्रिया। और इस अपघटनीय अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस इस साइड से और हाइड्रोजन गैस इस साइड से निकलती है, क्यों वो भी देख लो। चूंकि क्लोरीन पे आयन होता है ऋणायन, और हाइड्रोजन गैस पे आयन होता है धनायन। कौन सा आयन होता है? धनायन। तो आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि माइनस हमेशा किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ, और प्लस हमेशा किसकी तरफ जाएगा? माइनस की तरफ, विपरीत ध्रुव की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? विपरीत ध्रुवों की तरफ। तो यहाँ पे ध्रुवों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आयनों की बात करेंगे। तो यहाँ किसकी तरफ जाएगा? विपरीत आयनों की तरफ। क्लोरीन के ऊपर हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस हमेशा किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। तो क्लोरीन गैस प्लस की साइड से निकलेगी, ये देखो क्लोरीन गैस किधर से निकलेगी? प्लस की साइड से। और हाइड्रोजन गैस किधर से निकलेगी? माइनस की साइड से। हमारे पास में जो प्लस होता है उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जो माइनस होता है उसे बोलते हैं कैथोड। मतलब सिंपल सी बात है, धनायन को एनोड एवं ऋणायन को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस कहाँ से निकलेगी? एनोड की तरफ से। और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी? कैथोड की तरफ से। विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना समझ में आने के पश्चात, यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक साइड से नमक का घोल डाला, नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या है? गैसे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा मतलब घोल है। यहाँ पे किस किस की क्रिया कराई? नमक की और जल की। अब बात यह आती है कि हमारे पास में जो ये अभिक्रिया लिखी है ना आपके सामने, ये कि नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये बने हमारे पास में। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। पूछ सकता है आपसे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखी है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कैसे लिखनी है? ये वाली। क्यों बोला इसको क्लोर क्षार? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी बनी है और इसमें क्षार भी बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना है। बना है कि नहीं बना? तो हमारे पास में क्लोर क्षार अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्लोरीन भी बने और क्या बने? क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बने। तो जब भी आपसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में पूछे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं वो अभिक्रिया लिखनी है, कि सोडियम क्लोराइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण प्राप्त होता है, ये उत्पादों के रूप में प्राप्त होती हैं। इतना दिमाग में आ गया? क्यों कहा क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये भी समझ में आ गया?
क्योंकि इसमें उत्पाद में क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन और क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कई बार पूछ लेता भाई आपसे कि एक चीज़ बताओ जी, कि क्लोरीन का उपयोग तो बताओ, बना तो लिया आपने, क्लोरीन का उपयोग तो बताओ। तो क्लोरीन का उपयोग है पहला तो जल को साफ करने में, पानी को फिल्टर करने में। दूसरा है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी की प्लास्टिक आती है ना, जो पीवीसी के पाइप आते हैं, रेन वाटर पाइप, जिससे पानी नीचे उतरता है, उनको बनाने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। एक आता है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन परत लगातार नष्ट होती जा रही है, उसमें छेद होते जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का प्रवेश हो रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है। तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्लोरीन गैस के कारण, नाम से पता चल रहा है क्लोरोफ्लोरो, पीवीसी में पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और रोगाणुनाशक और कीटनाशक में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पास में क्लोरीन गैस के उपयोग, की जल को साफ करेंगे, पीवीसी बनाएंगे, सीएफसी बनाएंगे, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, और हमारे पास में ये सब इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। अब आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है कि जब हमारे पास में कुछ मेटल होता है, धातु होती है, उसके ऊपर ग्रीस जम जाता है, ग्रीस जम जाता है, स्नेहक उसके ऊपर लुब्रिकेंट ग्रीस जम जाता है, तो उसको स्प्रे किया जाता है क्लोरीन गैस के द्वारा, जिससे वो पूरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, एकदम मेटल एकदम चमचमाता हुआ निकलता है, बिल्कुल फ्रेश। साबुन बनाने में और वॉशिंग पाउडर, सरफ बोलते हैं जिसे, वो बनाने में भी काम आता है। साइंस की भाषा में अपमार्जक बोलते हैं वॉशिंग पाउडर को। तो साबुन और अपमार्जक में भी उपयोग किया जाता है, ये आपको हम पढ़ाएंगे आगे कि साबुन, अपमार्जक, मिशेल, ये ठीक। कागज बनाने में भी ये काम आता है, क्लोरीन गैस, ओ सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और कृत्रिम फाइबर, जो क्रिटिकल हमारे पास फाइबर आता है, फाइबर को जानते हो, फाइबर हमारे पास में, फाइबर जो आप लोग देखते हो टेलीफोन लाइंस होती है, फाइबर की सीट आती है जिस घर के आगे लगा देते हैं, जो शेडो छाया के लिए, तो फाइबर के लिए भी काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, उपयोग हो गए इसके, ये क्या हो गए, उपयोग हो गए, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि आपको हाइड्रोजन गैस का उपयोग बता दो, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग आपको बता देना पहला ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है। दूसरा आपको बता देना है अमोनिया के रूप में, किसके रूप में, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में क्या है, NH3, क्या है, NH3। अब अमोनिया से हम क्या बना लेंगे, खाद, क्या बना लेंगे, खाद, यूरिया वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास में आप लोगों को मैंने ये समझाया, लवण परिवार का पहला सदस्य जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ सोडियम क्लोराइड और जल के क्रिया से। जब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की, हमने नमक का जलीय विलयन में, नमक का घोल लिख रखा है, नमक के घोल में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसमें क्या है कि क्लोरीन गैस तो एनोड की साइड और हाइड्रोजन गैस कैथोड की साइड चली गई, और इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ। क्लोरीन गैस हमेशा एनोड की साइड और हाइड्रोजन गैस कैथोड की साइड जुड़ेगी। इसमें आप लोगों को मैंने इस बॉक्स के अंदर बता भी रखा है कि इसमें यहाँ पे आपको दिख नहीं रही हो, दिख साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको टोटलिंग बता देता हूँ कि Cl और OH तो ये तो जा रहे हैं प्लस की तरफ, और हमारे पास में Na और H ये जा रहे हैं माइनस की तरफ। तो सिंपल सी बात है कि माइनस वाले तो किधर जाएंगे, प्लस की तरफ, और प्लस वाले किधर जाएंगे, माइनस की तरफ, विपरीत आयनों की तरफ, ठीक है। ये लिख रखा है अंदर बुक में, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, चित्र साइज नहीं दिख रहा होगा इसलिए। तो ये आप लोगों को मैंने आज पढ़ाया क्लोरीन गैस के उपयोग जल को साफ करने में, पीवीसी, सीएफसी, हमारे पास में रोगाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बता दिया, धातु से ग्रीज हटाने के लिए हमारे पास में कागज़ फैक्ट्री में काम आती है, ये साबुन अपमार्जक बनाने के लिए काम आती है, कृत्रिम फाइबर, हाइड्रोजन गैस का बता सकते हो, ईंधन के रूप में काम ले सकते हो, अमोनिया के द्वारा जब खाद बनाते हैं उसके लिए काम में ले सकते हो। तो ये हमने आज पहला लवण परिवार का पहला सदस्य पढ़ा। जितना हम आसानी से पढ़ेंगे वही सारे समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारी रिएक्शन है, और रिएक्शन वैसे समझ में आने वाली
नहीं है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ये सारी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट दो वीडियो और आएंगी इस चैप्टर की, तो दो वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। ये धीरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये है सारी की सारी इक्वेशन, और इक्वेशन है तो इक्वेशन में क्या है कि समझने का थोड़ा सा क्या है दिक्कत आती है। नवी क्लास में आपने पूरा माइंड को पूरा सेट करके नहीं पढ़ा, और पढ़ा जो हमारा कोरोना खा गया पढ़ाई को, तो इसलिए क्या है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छे से याद आएगा। ठीक है, घर पे मेहनत करो आप, मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, जितनी जल्दी वीडियो आती हैं वो आप तक पहुँचेंगी। दूसरा कि सब्सक्राइब बढ़ाओ, इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है। और अभी कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसकी PDF आएगी क्या, उसकी PDF आएगी क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक पाठ की PDF आप तक पहुँचेगी। आई होप कि कोरोना के केसेज राजस्थान में रेगुलर कम हो रहे हैं, तो अपने ये स्कूल खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जितनी जल्दी होगी आपको PDF भी प्रोवाइड होगी। लेकिन घर पे बुक खोल के देखिए, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा, अच्छे से अच्छे कवर करा रहा हूँ आपको, केवल वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, इतना मैं कह देता हूँ आपसे। और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हो, तो थैंक यू उनको। और क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन दिए वो देख किए भी कमेंट सेक्शन में, ग्रेट जॉब। और कई लोगों ने मेरे पास में उनके आंसर किए, तो अच्छा था कि वीडियो देखे आंसर किए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लिख लिख के पढ़ो, लिखते हो जितना ही आपको समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग पढ़ाई के टच में रहें, क्योंकि पढ़ाई से धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं। वीडियोज़ को देखो, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।